और अब आपको बताएं कि पंजाब में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर्स की तैनाती के मामले पर गवर्नर पंजाब सलीम हैदर और पंजाब हुकूमत के दरमियान कशीदगी बढ़ने लगी है। अपने नाजरीन को बताएं कि पंजाब में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की तैनाती के मामले पर गवर्नर पंजाब सलीम हैदर और पंजाब हुकूमत के दरमियान कशीदगी बढ़ने लगी है। गवर्नर पंजाब ने वाइस चांसलर्स के लिए भेजी गई तमाम 13 समरियाँ मुस्तरद कर दी हैं। पंजाब की जामियात के वाइस चांसलर्स की तैनाती पर इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। गवर्नर पंजाब ने वाइस चांसलर्स के लिए भेजी गई तमाम 13 समरियां मुस्तरद कर दी हैं। पंजाब में मुख्तलिफ जामियात के वाइस चांसलर्स की तैनाती के मामले पर गवर्नर पंजाब सलीम हैदर और पंजाब हुकूमत के दरमियान कशीदगी बढ़ने लगी। मजीद जानते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे मियां शुएब से। जी शुएब, बताइएगा वजूहात क्या सामने आ रही है इस कशीदगी? जी बिल्कुल, पंजाब में मुख्तलिफ जामियात ने वाइस चांसलर की तैनाती के मामले पर गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर और सूबाई हुकूमत के मुबाइन जो कशीदगी है वो बढ़ने लगी। गवर्नर पंजाब ने वाइस चांसलर के लिए भेजी गई तमाम जो 13 समरियां उसको मुस्तरद कर दिया गया। ज़राए गवर्नर हाउस के मुताबिक गवर्नर सरदार सलीम हैदर ने तमाम समरियां मुस्तरद करने की वजूहत भी सूबाई हुकूमत को अरसाल कर दी है। और पंजाब हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज 7 यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर की तकरियां जो की थी, सूबाई हुकूमत ने 14 रोज की मुकर्रर मुद्दत मुकम्मल होने का जवाब बनाकर जो तकरियां की गई हैं। और ज़राए के मुताबिक गवर्नर सरदार सलीम हैदर ने तैनात की गए वाइस चांसलर समेत तमाम समरियां जो है उनको मुस्तरद किया गया। ज़राए गवर्नर हाउस ये बताते हैं कि सूबाई हुकूमत वाइस चांसलर के लिए 3 नाम तजवीज कर सकती है, किसी की सिफारिश नहीं कर सकती। 6 यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर की जो तकरी के लिए भेजी गई समरियां हैं वो 14 रोज मुद्दत मुकम्मल नहीं हुई। अभी भी 14 से ज्यादा जो यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर उनकी तकरी होना बाकी है। ज़रा एक वनर हाउस ये बताते हैं कि किसी भी यूनिवर्सिटी में जो है मेरिट से हटकर। बहुत शुक्रिया मियां शुएब अपडेट करने के लिए।